नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस पे। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में जो आज का टॉपिक है जलमार्ग से ही संबंधित है, वह है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका। तो क्रॉस प्रोफाइलिंग की बात करेंगे आज। क्रॉस प्रोफाइल किसका क्रॉस प्रोफाइल है? वाटर का जलमार्ग, नदियों के द्वारा जो जलमार्ग बनता है इसमें क्रॉस प्रोफाइल अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेदिका। इससे पहले आप अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका पढ़ रहे थे और आज बारी है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका की। क्रॉस सेक्शन में जो नदियां हैं, एक तो अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक फ्लो होती है, ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे ये पॉइंट है आपका। पुनः नदियां जो है अपनी चौड़ाई के साथ भी, अर्थात नदियों की गहराई और चौड़ाई होती है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका से हमें नदियों की जो है गहराई व चौड़ाई के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? गहराई प्लस चौड़ाई, कि कितना गहरा है और कितना चौड़ा है कोई भी नदी। तो नदियों की जो घाटी बन रही है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के द्वारा पता चलता है। देखिए, शुरुआत में जो नदियां रहती है पानी की मात्रा कम रहती है। इस प्रारंभिक बिंदु में मैंने आपको पहले बताया था, जो नदियां उद्गम होती है उस समय पानी की मात्रा कम होती है। अपवर्तन क्या होते हैं? बोलेंगे डाउन कटिंग अपवर्तन, अर्थात डाउन ऐसे कटिंग है ऊर्ध्वाधर, तो डाउनिंग कटिंग बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कटाव है। जब नदियां धीरे धीरे फ्लो होती है पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के एक समतल मैदान पे आती है, तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है इसमें, तो इसके बाद अपवर्धन अधिक होने लगता है। और अपवर्धन किस तरीके का होता है? आप बोलेंगे क्षैतिज होता है। तो अब डाउनिंग कटिंग की जगह दोनों जो लेटरल फेस पे है कटिंग होने लग रहे हैं। लास्ट में ये समतल है, आधार तल अर्थात समुद्र तल को मिल जाता है। तो नदियां की घाटियां चौड़ी हो जाती है। किस तरीके से चौड़ी होती है, तो कुछ प्रोफाइल देखिए। ऐसे करके आप बनाते जाइए भी आकार की, मैचिंग करिए इसमें। तो ये जो नदी की घाटी बन रही है भी आकार के, अर्थात पहले घाटी की चौड़ाई कम रहती है, बाद में और घाटी खुलती है, बाद में भी आकार और बड़ा होते जाता है। इस तरीके से नदी की घाटी का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है। तो ये चौड़ाई में प्रारंभिक चौड़ाई। अब चौड़ाई देखिए क्या है, ये पॉइंट है चौड़ाई का, पूरा ये पॉइंट है चौड़ाई का। लास्ट में जो समतल मैदान है बिल्कुल साफ हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चौड़ाई में अंतर है। तो शुरुआत में यहीं पे नदी जो है अधिक गहरा होता है, चौड़ाई कम होती है, बाद में चौड़ाई अधिक हो जाती है, गहराई कम हो जाती है। आपको अनुप्रस्थ परिच्छेदिका में बोलना है कि इससे नदियों की गहराई और चौड़ाई का पता चलता है कि कोई नदी कितनी चौड़ी है कितनी गहरी है। शुरुआत में गहराई अधिक रहता है और चौड़ाई कम रहता है, इन दोनों में विलोम का संबंध है। बाद में जब समतल मैदान पहुंचेंगे चौड़ाई अधिक हो जाता है, गहराई कम हो जाता है, और समुद्र तल पे गहराई चौड़ाई बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, कोई अंतर ही नहीं रहता है, क्योंकि वो आधार तल है, समुद्र तल आधार तल है। धीरे धीरे नदियों की घाटी को खोलेंगे भी आकार में इस तरीके से। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका को हम लोग डायग्राम से और ज्यादा डीपली समझते हैं कि किस तरीके से नदियां का जल मार्ग अनुप्रस्थ है, इसकी गहराई और चौड़ाई को लेके। और इसमें कुछ स्थलाकृति बनते हैं, उसका नाम है गॉर्ज कैनियन। तो गार्च और कैनियन प्लस जो इंटरलॉकिंग स्प्रू भी बनते हैं, तो आप डायग्राम से ज्यादा बेटर समझेंगे। तो एक डायग्राम बनाइएगा आप इस तरीके से। तो देखिए, ये कटिंग करने का एक प्रस्ताव है कि किस तरीके से है। ये भी आकार की एक्चुअली में घाटी है। ये तो भी आकार की जो घाटी दिखाई दे रही है, धीरे धीरे इसकी चौड़ाई
बढ़ती हुई जा रही है। किस तरीके से बढ़ रही है? तो मुंह खुलते जा रहा है, फिर चौड़ा करिए, भी खोले बनाइए और फिर इस तरीके से कुछ आपको सेक्शन दिखा रहे हैं, दोनों को मिलान करिए। तो नदियों के भी आकार की घाटी और ये गर्त को गहरा डाउनिंग कटिंग को दिखा रहा है, अर्थात एक साइड नदियां डाउनिंग कटिंग कर रही है और भी आकार की घाटी बना रही है। क्या बोलेंगे? घाटी भी आकार की, तो भी आकार की घाटी हो गई। और डाउनिंग कटिंग है तो सीधा सीधा गर्त है, एक इस तरीके से गर्त, समझिए। ये कोई नदी है मान लेते हैं और उसका गर्त है, अर्थात सीधा यहां से यहां तक डाउनिंग कटिंग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का सीधा जो गहरा गड्ढा बना रहा है वो इसे बोलते हैं गाज। एक शब्द आता है गाज। यही गाज और अधिक चौड़ा हो जाए तो कैनियन में बदल जाता है। क्या बोलेंगे आप? कैनियन। एक कैनियन का नाम है ग्रांड कोलोराडो। कोलोराडो नदी ग्रांड कैनियन बनाती है। कैनियन अर्थात गाज का गाज गड्ढा लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक भी होते हैं। सिंधु नदी गाज बनाती है। हर नदियां जो पर्वत क्षेत्र को छोड़ती है, जो नदियां रहती है पर्वत क्षेत्र को छोड़ दे तो गाज नहीं बनाएगी। ये इस पॉइंट पे है, अर्थात जो पर्वत क्षेत्र है वहां पे गाज का निर्माण करती है। तो गाज जितने भी भारत की नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, क्या बोलेंगे? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद आप बोलेंगे सिंधु ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी, बड़े बड़े गाज का निर्माण करती है और कैनियन का भी निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, कैनियन क्या बोलेंगे? गाज का विकसित रूप होता है ये। तो नदियां जब कटाव करने लगे, अधिक डीपली कटाव करे, तो गाज खुल जाता है और कैनियन में बदल जाता है। तो कैनियन में मैं आपको बता रहा था ग्रांड कैनियन अमेरिका में है, कोलोराडो स्टेट। तो कोलोराडो नदी बनाती है ग्रांड कैनियन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन। इसलिए पूछता है कौन सी नदी कैनियन बनाती है, आप बोलेंगे कोलोराडो नदी बनाती है। जो कोलोराडो नदी है ये अपने उद्गम पे जो निकलती है, पानी की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन फिर ये मरुस्थल से गुजरती है कैलिफोर्निया स्टेट से। तो मरुस्थल से गुजरने के बाद पानी की मात्रा कम हो जाती है। जब पानी की मात्रा कम होगी तो अवर्धन की शक्ति कम हो जाती है। रिजल्ट ये रहता है धीरे धीरे जो पानी रहते हैं वो कटिंग करते हैं, एक लंबे समय तक कटाव करते हैं। तो इस तरीके से ग्रांड कैनियन, क्या बोलेंगे? ग्रांड कैनियन, एक शब्द आ रहा है, अर्थात बड़ा सा गड्ढा। ये कितना है? 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है ग्रांड कैनियन की। फिर बोलेंगे 2.8 किलोमीटर डाउनिंग कटिंग है, गहरा है और 16 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो अगर आप इस नदी में उतर जाएंगे तो 2.8 किलोमीटर धरातल से भी नीचे रहेंगे और 16 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। तो आपको लगेगा किसी खदान में आप घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविक में वो नदी है कोलोराडो नदी। ये नदी है कहाँ बहती है? बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट में, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका का देखेंगे तो पश्चिम साइड देखेंगे, कैलिफोर्निया प्रांत देखेंगे, कोलोराडो स्टेट देखेंगे उसका, तो वहां पे बह रही है। कुछ इसके बारे में फैक्ट है, कितनी बड़ी कैनियन गड्ढा है, 480 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर गहरा है, 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये है आपका कैनियन गाज का विकसित रूप। फिर से मैथ में आ जाइए आप, आप मैपिंग करिए और 4-5 लाइन लिखिए, आपका कंप्लीट हो जाता है वो अंडरस्टैंडिंग। सामने कॉपी चेक करके यहाँ पे अब देखें, कोई नदी है उतर रही है, ये तो इस तरीके से एक मैप में आपका बनेगा। बाकी इधर मिलाती थी सबको, इस सेक्टर में ऐसे करके दिखा दीजिए, और एक नदी, ठीक है, और नीचे में ऐसे
ये चट्टाने दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि चट्टानों के ऊपर है, अर्थात एक सेक्शन काटे हुए हैं डायग्राम में, सेक्शन से दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, एक के बाद एक घाटी ऐसे करके है, अर्थात पहले नदी यहाँ बह रही थी, फिर यहाँ बह रही थी, फिर इधर बह रही थी। अब इस घाटी को अगर बारीक कर दें हम, दूसरा सेक्शन में मैं ऐसे ले लूं, और तरीके से बना दीजिए। तो ये तो अभी चौड़ाई यहां दिखाई दे रही है प्रारंभिक पॉइंट में, ये चौड़ाई हो गई यहां से यहां तक, नदी फ्लो हो रही है कोई, ठीक है, कोई नदी फ्लो हो रही है तो इसकी प्रारंभिक चौड़ाई ये दिख रहा है। फिर बाद में क्या होगा, मुंह खुलेगा उसका, कुछ इस तरीके से डाउन फ्लो होंगे, अर्थात कटिंग जो कर रही है नदियां, फिर कुछ ये अब चौड़ाई होगी नदी की। तो आप देख रहे हैं कि एक साइड मुंह खुल रहा है धीरे धीरे, और नदियां लगातार कटाव करते चल रही है। तो आपको ये दर्शाना है कि शुरुआत में कटिंग कुछ इस तरीके से है, या तो बड़ा सेक्शन लेके या तो छोटा, बाद में वो सेक्शन, फिर दिखाना है रास्ता किस तरीके से चेंज कर रही है ये। और इसका फिर एक और सेक्शन अगर काटेंगे तो उसमें भी है कि नदियां विसर्पित कैसे हो रही है, धीरे धीरे मार छोड़ रही है और चौड़ाई होती जा रही है। तो हमको अनुप्रस्थ परिच्छेदिका में चौड़ाई और गहराई दोनों ही पढ़ना है। तो ये दोनों सेक्शन घाटियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो नदी विसर्पित होती है तो किस तरीके से इसका डायरेक्शन है, मान लेते हैं शुरुआत की नदियां हैं कोई इस तरीके से। देखिए पहले चौड़ाई ये है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ाई है, यहाँ कटिंग ज्यादा होगा, यहाँ कटिंग कम होगा, यहाँ कटिंग अधिक है, पुनः यहाँ पे कटिंग कम है, अर्थात इस साइड में कटिंग कम है, कम अपवर्धन, इस साइड में कम और इस साइड में अपवर्धन अधिक। दूसरा डायग्राम फिर इसी में, अब जो है मान लीजिए इस सेक्शन पे कटिंग कर रही है, तो देखिए फिर से यहाँ पे कटिंग अधिक, यहाँ पे कटिंग कम, पुनः यहाँ पे डाउनिंग, कटिंग की जगह क्या है, लेटरल कटिंग है ये, डाउनिंग नहीं है, डाउनिंग तो पहाड़ क्षेत्र में पर्वत क्षेत्र में बनते हैं, फिर यहाँ पे कटिंग तो विसर्पित हो रही है, फिर नेक्स्ट स्टेज में और विसर्पित कर दीजिए ऐसे करके। तो फिर देखिए यहाँ पे कटिंग अधिक, यहाँ कटिंग कम, पुनः यहाँ कटिंग अधिक, इस साइड कटिंग कम। तो मैंने आपको पहले ही बताया नदियाँ एक साइड क्या कर रही है, कटिंग कर रही है, दूसरे साइड में निक्षेपण करती है। तो ये सारा जो छोटा वाला दिख रहा है आपको निक्षेपित पदार्थ है, निक्षेपण की क्रिया हो रही है, और इस साइड में जो बड़ा वाला है अपवर्धन हो रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे चौड़ाई लगातार आप बढ़ाते जाएंगे, इस सेक्शन को और बड़ा करिएगा चौड़ाई में, यहाँ तक ले चलिए। इससे अगले से ये शुरुआत में कम चौड़ा घाटी और चौड़ा, फिर बाद में और चौड़ा। तो भी आकार की घाटी मैंने आपको क्या बताया, खुला हुआ ऐसे। अब यू आकार की भी घाटी होती है, तो एक बार यू आकार की घाटी देख लीजिए, और इंटरलॉकिंग स्क्रू भी है। निक्षेपण और चौड़ाई दोनों दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से आपका जो इंटरलॉकिंग है, ये तो बनते हैं, इंटरलॉकिंग होते क्या है पहले इसको देखना है। एक साइड ऐसे करिए, एक साइड ऐसे, पुनः एक साइड ऐसे, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। अर्थात इंटरलॉकिंग एक दूसरे में, यहां से जो नदी जिगजैग फॉर्म में बहेगी तो ये क्या होता है, इंटरलॉकिंग, दो माउंटेन के बीच से गुजर रही है फंसते हुए। तो ये नदियां एक्चुअली में विसर्पित तो है, लेकिन ये वाला पर्वत क्षेत्र है, तो पर्वतों से दो पर्वत जब क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरलॉकिंग कर दे रहे हैं, बांध दे रहे हैं,
ये जैसे उंगली है एक दूसरे में लॉक हो गए हैं, तो लॉक होने के बाद जो दिख रहा है आपको ऐसे कर देंगे डाउनिंग, ये वाला पॉइंट जो डाउन दिखाई दे रहा है वहां से नदियों गुजारे। अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर घूमे हिमालय क्षेत्र में तो आपको इंटरलॉकिंग स्क्रू दिखाई देंगे, अंतर्ग्रंथि पर्वत प्रक्षेप, अंतर्ग्रंथि पर्वत प्रक्षेप, ये वाला आकृति होता है। ठीक है, क्या दिखाना है आपको, ऐसे करना है एक इस साइड से, पुनः एक इधर, पुनः एक इधर, पुनः एक इस साइड, यहाँ से नदी को फ्लो कराना है आपको। तो ये कराना है आपको, इंटरलॉकिंग स्प्रू है, इस शब्द का मतलब होता है स्प्रू, जहां से नदियां डाउन की ओर फ्लो हो रही है। अब है कुछ कंसेप्ट और, यू आकार की घाटी और लटकती घाटी, ये भी नदियां बनाती है। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी तो आपने देखा, यू आकार की घाटी ये भी है। जब नदियां और अधिक कटाव करने लगे अपने पास में, वी आकार की घाटी तो प्रारंभिक पॉइंट में है, धीरे धीरे जब घाटी का आकार बड़ा हो जाए तो वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में बदल जाती है, अर्थात प्रारंभ में भी रहता है, धीरे धीरे इस फेज पे कटाव होने लगे। ये क्या है, नदियां काटे इस पॉइंट को भी काट रही है, तो मुंह खुलेगा जैसे, समझिएगा। पहले नदियां ऐसे है, या और स्ट्रेट कीजिए, सीधा खड़ा करिए, सीधा खड़ा। सेकंड स्टेज में जो नदियां हैं थोड़ा सा डाउन होगी, थर्ड स्टेज में नदियां इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, ऐसे होगी। फोर्थ स्टेज में नदियां सीधी, ये क्या है, ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है, इस साइड में काटते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बन रहा है घाटी, दिख रहा है आपको यू आकार के ऐसे, यहाँ पे एक्चुअली भी है, बाद में ये वाला यू है, तो ये भी माने और ये यू, तो यही आपका यू आकार की घाटी है। भी आकार की घाटी जब पास में और अधिक कटिंग कटाव करने लगे तो आपका यू आकार की घाटी बनती है, बाद में तो समतल मैदान हो जाता है, घाटी ना रह के प्लेन सपाट क्षेत्र हो जाता है। तो ये वाला जो वक्र आपको दिख रहा है, ये वक्र, तो यही वाला वक्र आपका क्या कहलाता है, यू आकार की घाटी। अब इसको सीधा यू आकार में ऐसे लिखिए, इधर से ऐसे करके दिखाना है आपको, तो इस साइड, तो यहाँ पे जो नदियां बह रही है ऐसे करके, इसमें हुआ क्या है, इसने कटाव करना प्रारंभ किया है, इस साइड में कटाव किया है, और ये जो शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, यू आकार की घाटी, तो कहीं ना कहीं से फ्लो हो रही है। अब ये जो शेप दिख रहा है आपको यही है यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी के बाद है, अब है लटकती घाटी, लटकती घाटी, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी, लगभग हर नदियां ग्लेशियर के, ग्लेशियर सेक्टर वाला हो, फील्ड सुस वाला हो, कास्ट वाला, लटकती घाटी हर जगह मिलती है। ये जो लटकती घाटी है ये कंसेप्ट हर जगह मिलता है। लटकती घाटी क्या होती है, जो मुख्य नदी है, जो मेजर नदी है, उसकी सहायक नदी, वो अब उसके ऊपर जो घाटी बना रही है उसे बोलेंगे आप लटकती घाटी। जैसे मुख्य नदी कौन है, गंगा मुख्य नदी है, सिंधु मुख्य नदी है, ब्रह्मा मेन नदी है, अब इसकी सहायक बहुत सारी नदियां हैं, तो सहायक नदी जो मुख्य नदी के ऊपर घाटी बनाती है, जैसे ये घाटी बन गया आपका यू आकार की घाटी, इसके ऊपर अगर कोई नदी, मान लेता हूं मैं ये नदी है ऐसे करके, ये जो घाटी बनाएगी तो यही लटकती हुई घाटी के रूप में जाना जाता है। तो इसी के ऊपर एक्चुअली में लटक रहा है, ये पूरा घाटी वाला फील्ड होगा। तो आपको क्या बोलना है, लटकती घाटी, जो मुख्य नदियां रहती है, मुख्य नदी के द्वारा निर्मित घाटी के ऊपर जो उसकी सहायक नदियां होती है एक घाटी बनाती है, जिसे
लटकती घाटी कहते हैं, लगता है कि मुख्य नदी पे लटक रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ना कि मुख्य नदियों के द्वारा। ठीक है, एक बार अगर इसको और डायग्राम को समझना है तो देखें आप, हैंगिंग वैली। मान लेता हूँ मैं कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है, इस साइड में ऐसे करके एक यू आकार की घाटी है ये, और इससे मिलान करिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये आपको पता है कि यू आकार की घाटी है और ये माउंटेन है, पूरा पर्वत क्षेत्र है। ठीक है, पर्वत क्षेत्र से एक कोई और नदी को निकालिए ऐसे करके, तो यहाँ भी तो डाउन हिल कटिंग कर रही है नदियां, एक नदी कटेगी तो इसी के ऊपर एक घाटी निर्मित हुआ, इधर से भी कोई नदी है तो घाटी निर्मित करेगी। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में घाटी बन रहा है इस पोर्शन पे, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, लटकती हुई घाटी, लटकती घाटी। और ग्लेशियर फिल्म में तो कुछ इस तरीके से मिल जाती हैं, क्योंकि बर्फ का एक जमाव हो जाता है तो दोनों पॉइंट सेक्शन मिल जाते हैं, इधर की सहायक नदी इधर की सहायक नदी भी आपस में बर्फ के जमाव से मिल जाती है। फिलहाल नदी है तो इसी के ऊपर एक अलग से घाटी रहेगा, बाद में वो लटकती घाटी टूट जाती है। तो ये है आपका अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, डायग्राम से कुछ लिखना है, इससे नदियों की गहराई और चौड़ाई के बारे में पता चलता है। कुछ आकृति बनाना है, जैसे गार्ज का, उसका गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन बना देंगे आप। फिर इंटरलॉकिंग स्प्रूफ का निर्माण करना है आपको, कुछ लटकती घाटी, यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी दर्शाना है, क्योंकि घाटी चौड़ाई को रिप्रेजेंट करता है नदियों की, तो आपको गहराई और चौड़ाई यही अनुप्रस्थ परिच्छेदिका पढ़ना था। और जो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में आपने क्या किया था, पूरा लंबाई में ही आपने पढ़ा था। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम ज्योग्राफी में नए आवर्धन चक्र के साथ। बस आज के लिए।